हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट आई एम योर होस्ट ससी लेट स्टार्ट टूडेज डिस्कशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स लार्जेस्ट बाउंड्री विथ म्यांमार म्यांमार के साथ लार्जेस्ट बाउंड्री कौन शेयर करता है तो चाइना शेयर करता है बाईस किलोमीटर एंड थाईलैंड शेयर करता है इक्कीस किलोमीटर और अपना इंडिया शेयर करता है तेरह सौ अड़तीस तो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है चाइना ओके ये है आपका म्यांमार यहां से बॉर्डर लगता है देखिए बांग्लादेश का दिस इज इंडिया चाइना लाओस थाईलैंड ओके दाउंड्री विटवीन अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड वॉट अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो बाउंड्री है उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है देखिए ये होती है दिस इज अर्थ ये आपका क्रस्ट हो गया ये मेंटल और ये कोर एक डिस्कटिन्यूटी होती है क्रस्ट में मेंटल में एंड कोर में भी डिस्कटिन्यूस होती हैं इसको हम याद कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव डिस्कॉन्टिन्यूटीज हैं और इसको याद कर सकते हैं सी एम आर गुड लीडर सी एम आर गुड लीडर इसका फुल फॉर्म होता है कॉन् ये होता है सी एम आर जी

आउटर क्रस्ट इनर आउटर कोर इनर कोर ये सारे हैं कॉन रोड मोरोविक रेपिटी ड्यूटन वर्क एंड लेमन ये सारे पोजिशंस हैं क्वेश्चन uh, में क्या पूछ रहा था द बाउंड्री बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल इज तो इसको कहते हैं मोरोविक डिस्कॉन्टीन्यूटी ये देखिए ये अर्थ uh, का क्रस्ट है और ये है मेंटल इनके बीच में जो बाउंड्री है इसको कहते हैं मोरोविक डिस्कॉन्टीन्यूटी ब्लैक सोइल इज आल्सो नोन आल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम ब्लैक सोइल को और किस नाम से जाना जाता है ब्लैक सोइल को और किस नाम से जाना जाता है इसको जाना जाता है रेगुल सोइल के नाम से ब्लैक सोइल में ही आ आपका जो कॉटन होता है वो उगाया जाता है और कॉटन के खादर सोइल में न्यू एलुवियल सॉयल जो होती है उसको खादर सॉइल कहा जाता है और जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है उसको बांगर सॉयल कहा जाता है और एलुवियल सॉयल मतलब जलोड़ मिट्टी द ड्राइएस्ट लोकेशन ऑन अर्थ इज इन विच कंट्री ड्राइएस्ट लोकेशन ऑन अर्थ है आपकी चिली में चिली में आटाकामा भी आटा डेजर्ट भी है आटाकामा डेजर्ट और जो पेरवियन एंड हम्बोल्ड करण होती करंट होती हैं हम करंट हमबोल्ड करंट जो होती हैं वो भी इसी की इसी एरिया में पाया जाता है ओके दिस इज योर चिली दिस पार्ट इज चिली यहाँ आपका आटा कामा डेजर्ट है इधर से आपके हमबोल्ड करंट बहती है ओके When granite rock get metamorphosed, they form. Granite rock जब metamorphosed होती हैं तो वो क्या बनाती हैं तो granite जो होती है वो igneous होती हैं igneous rock होती हैं अग्नियस चट्टाने होती हैं granite, और ये metamorph हो जाती हैं जब इसको मतलब igneous को heat किया जाता है heat किया जाता है तो ये क्या बन जाती हैं ये shale बन जाती हैं okay? और ऐसे ही जब लाइम स्टोन को हीट किया जाता है तो बन जाता है मार्बल लाइम स्टोन लाइम स्टोन को हीट किया गया तो मार्बल बन गया क्ले एंड सेल को जब हीट किया गया क्ले एंड शेल को जब हीट किया गया तो स्लेट बन जाता है और वैसे ही सैंड स्टोन सैंड स्टोन को जब हीट किया गया तो क्वार्टज क्वार्ट ब्राइट बन जाता है ओके ए स्ट्रेच ऑफ सी वाटर पार्टली और फुली सेपरेटेड बाय ए नैरो स्ट्रिप फ्रॉम द मेन लैंड इज कॉल्ड पार्टली पार्टली और फुली नैरो स्ट्रिप से सेपरेट रहती हैं मेन सी से तो उसको कहा जाता है लगून अपना जो उड़ीसा में चिल्का लेट है लेक है वो लगून का उदाहरण है ये देखिए इधर आपका सी हो गया और ये की स्ट्रिप है जो उसको अलग कर रही है सी से ओके आल्प्स माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट आल्प्स माउंटेन रेंज लोकेटेड कहाँ है यूरोप में लोकेटेड है और नॉर्थ अमेरिका में है रॉकी रॉकी है नॉर्थ अमेरिका में साउथ अमेरिका में है एंडीज और अफ्रीका में एटलस ये फेमस हैं ये देखिए आर्ट्स माउंटेन ये आपका इटली हो गया स्विट्जरलैंड फ्रांस लिस्टेनस्टेन ऑस्ट्रिया स्लोवेनिया ये सारे इसके पार्ट्स हो जाते हैं ये आपका यूरोप है इधर आपका मेडिटेरियन सी पड़ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ होती है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल रीजन होता कौन सा है ये ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ एंड ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री साउथ के बीच में ये जो एरिया होता है इसको ट्रॉपिकल रीज़न कहते हैं और इसी रीजन में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है आप ट्वेंटी थ्री एंड हाफ नॉर्थ से ऊपर जाएंगे बायोडाइवर्सिटी घटती जाएगी इस साउथ साउथ से नीचे जाएंगे तब भी बायोडाइवर्सिटी घटती जाएगी इस एरिया में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है इन वन डायरेक्शन इन रॉकी डेजर्ट फॉर्म चट्टानी रेगिस्तान के रूप में हवाएं लगातार एक दिशा में बहती हैं तो क्या बनता है तो ये बनता है यार ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या होता है इफेक्ट का मतलब होता है ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू एटमोसफेरिक गैसेज ट्रैपिंग ऑफ सोल ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक गैसेस गैसेज इस ग्रीन हाउस इफेक्ट ओके एट एटमोसफेरिक गैस के कारण एटमोसफेयर में गर्म एटमोसफेयर का गर्म हो जाना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है ओके और ये एटमोसफेरिक गैसेस हैं कौन कौन सी ये गैसेस हैं सी एच फोर सी ओ टू एन टू ओ एंड एस एफ सिक्स एंड सी एफ सी एच एफ सी दीज आर गैसेस ओके ये देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन विच डेट इज इंडिया लाइकली टू एक्सपी एक्सपीरियंस शॉर्टेस्ट डे शॉर्टेस्ट डे कब होता है इंडिया में तो इंडिया में शॉर्टेस्ट डे होता है 22 दिसंबर को क्यों देखो दिस इज अर्थ ये इक्वेटोरियल इक्वेटोर equator है ये जीरो डिग्री है ट्वेंटी थ्री एंड हाफ नॉर्थ ट्वेंटी थ्री एंड हाफ साउथ टॉपिक ऑफ किरणें सीधी पड़ती हैं इस रेखा पर जब सन की किरणें सीधी पड़ती हैं तो नदन नदन हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे होता है और ये होता कुछ दिन है ये होता है बाईस दिसंबर को बाईस दिसंबर को डे नदर्न, नदर्न हेमोस्फियर में शॉर्टेस्ट डे होता है और इसी को कहते हैं विंटर सोलिस्टिस द माउंटेन रेंज विच डिवाइड द नॉर्थ एंड द साउथ इंडिया इज कॉल्ड वॉर माउंटेन रेंज जो नॉर्थ और साउथ इंडिया को डिवाइड करता है उस वो होता है विंध्यास विंध्याज रेंज है जो डिवाइड करती है दिस इज विंध्याज रेंज ओके विंध्यास रेंज ये है और इसके बीच में आपका बहती है आपकी नर्मदा नदी नर्मदा नदी इसी के बीच में बैठती है। बहती है और ये नर्मदा नदी स्ट्रीज बनाती हैं स्ट्रीज बनाती हैं ओके ब्लॉक माउंटेन में बहती है ये दंपा टाइगर रिजर्व इज़ लोकेटेड इन दंपा रिजर्व है मिजोरम में मालथियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन वॉट ये मालथस ने थ्योरी दी थी पॉपुलेशन की ये दी, बताया था इन्होंने फूड सप्लाई एंड पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर ओके समझ लीजिए मालथीसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन उन्होंने बताया था कि फू जो पॉपुलेशन होगी वो दुगने पे बढ़ेगी एक दो चार दुना दुना हो जाएगा सारा लेकिन जो फूड होगा वो एक दो चार मतलब सिर्फ एक एक का अंतर होता जाएगा तो ये बहुत बड़ा इम्बेलेंस हो जाएगा और इस इम्बेलेंस को करेक्ट करने के लिए काफी सारे प्रिवेंशन चेक लेने होंगे पॉजिटिव एंड नेचुरल चेक्स होंगे फेमाइन होगा एपेडमिक होगा ये सब आएगा तब ये जो इम्बेलेंस है वो बैलेंस हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन्स ज्वाइन प्लेसेस विद सेम लेवल ऑफ रेनफॉल सेम लेवल ऑफ रेनफॉल को तो क्या कहते हैं तो ये सेम लेवल ऑफ रेनफॉल जो होता है इसको कहते हैं आइसो हाइट लाइन आइसो हाइट लाइन को सेम लेवल ऑफ रेनफॉल कहते हैं कॉन्टूअर लाइन होता है सेम लेवल ऑफ अल्टीट्यूड अल्टीट्यूड आइसो बात क्या होता है ये डेप्थ ऑफ वाटर होता है डेप्थ ऑफ वाटर आइसो बार लाइन्स क्या होती हैं ये प्रेशर के लिए होती हैं इक्वल एल्टीट्यूड कॉन्टूअर लाइन आइसोबार डेप्थ ऑफ वाटर आइसो बार लाइन्स ये प्रेशर इक्वल प्रेशर के लिए होता है और आइसो हाइट आपका रेनफॉल के लिए होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक इग्नियस रॉक इनमें से कौन सी नहीं है तो इग्नियस रॉक इनमें कौन सी नहीं है तो इसमें नहीं है डोलोमाइट डोलोमाइट आपका इग्नियस रॉक नहीं है द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द इंडियन ओशियन इज डीपेस्ट ट्रेंच इंडियन ओशियन की कौन सी है तो डीपेस्ट ट्रेंच है जावा ट्रेंच जावा ट्रेंच को और भी क्या कहते हैं सुंडा ट्रेंच कहते हैं सुंडा ट्रेंच सुंडा ट्रेंच कहते हैं हिंद महासागर में है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के सबडक्शन के साथ ही ये ट्रेंच बनती है ओके okay? ये देख लीजिए यहाँ पे है आपका जावा ट्रेंच पैसिफिक ओशन में मरियाना ट्रेंच और अटलांटिक में प्यूटोरिको ट्रेंच और यहाँ पे साउथ सैंडविच ट्रेंच साउथ में साउथ अटलांटिक में साउथ सैंडविच ट्रेंच यहाँ प्यटोरिको ट्रेंच और यहाँ पे है होल विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिजास्टर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डायमंड डिजास्टर ये कंट्रीब्यूट करता है रशिया तिरुपति इज सिचुएटेड इन द वैली ऑफ वॉट तिरुपति इज सिचुएटेड इन द वैली ऑफ शशैलम हिल्स और ये है आंध्र आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में है ये ओके गोरेवाड़ा लेक इज सिचुएटेड इन गोरेवाड़ा लेक कहां पे सिचुएटेड है गोरेवाला लेक सिचुएटेड है आपके नागपुर में और नागपुर कहाँ है महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र में है नागपुर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए तो समझिए देखिए दिस इज योर इंडिया ये है इंडिया यहाँ पे आपकी सहा सहयाद्री सहयाद्री हिल और ये आपका ईस्टर्न घाट ये वेस्टर्न घाट है ये ईस्टर्न घाट है अब देखिए जो साउथ वेस्ट मानसून है वो आएगा यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है और विंड जाके यहाँ के माउंटेन से टकराकर बारिश जो करनी है वो यहीं कर देंगी इसी साइड में कर देंगी और इस साइड में नहीं करेंगी तो इसको अमाउंट से टकराकर जो बारिश होती है उसको क्या कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाएगी ओके विंडवर्ड और को कहेंगे विंडवर्ड साइड और इधर साइड हवा आएगी नहीं तो यहाँ पानी बरसेगा नहीं इसको कहेंगे लीवर्ड साइड ओके देर इज नो रेन तो रीजन क्या था ये पूछ रहा था पश्चिमी घाट के पूर्वी ठलानों में निम्न वर्षा के कारण क्या था तो ये था देर लीवर्ड लोकेशन लीवर्ड लोकेशन होने के कारण वहां पे बारिश नहीं होती है वट इज द नेम ऑफ सदर मोस्ट हिल रीजन इन इंडिया इंडिया के सदर मोस्ट हिल रीजन का नाम है कार्डम हिल्स ये देखिये ये है कार्डम हिल्स नीलगरी हिल्स ऐसे ऐसे जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है ये है महाराष्ट्र में फॉलोइंग रिवर सिस्टम क्रिएटेड Jog रेनफॉल जोग रेनफॉल कहाँ पे uh, कौन सा रिवर सिस्टम क्रिएट करता है तो ये है शरावती रिवर शरावती रिवर है और ये इसको कह, और भी क्या कहा जाता है जोग रेनफॉल वाटर फॉल को इसको कहा जाता है महात्मा गांधी फॉल्स कहा जाता है महात्मा गांधी फॉल्स और है ये कहाँ कर्नाटका में okay? वेर आर खासी एंड गारो ट्राइब्स मेनली फाउंड खासी एंड गारो ट्राइब्स आपने पहाड़ियां सुनी होगी गारो खासी जयंतिया जयंतिया तो ये है मेघालय में जो इन्ही ट्राइब्स के नाम पे ही ये पहाड़ियां भी पड़ी हैं गारो खासी जयंतिया ओके द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पॉस थ्रू टॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास नहीं करता इंडिया से पास करता है बांग्लादेश से करता है म्यांमार से भी करता है पाकिस्तान से नहीं करता सो आंसर इज बी पाकिस्तान देख लीजिए लोकेशंस ये देखिए आपका मैक्सिको से पास कर रहा है इधर साउथ अफ्रीका uh, की कुछ कंट्रीज हैं सऊदी अरेबिया है इंडिया है देखिए यहाँ पाकिस्तान से पास नहीं कर रहा है ये इधर आ गया आपका बांग्लादेश म्यांमार विच ऑफ़ द फॉलिविंग इज नॉट कॉज ऑफ सॉयल रिज इरोजन सॉयल इरोजन का कारण क्या नहीं है मिट्टी का जो छरड़ होता है उसका क्या कारण नहीं है तो अपच्छे या जो वेदरिंग होता है वो सॉयल इरोजन का कारण नहीं है बाकी आपका ड्रेनेज और डिफॉरेस्टेशन ग्रेजिंग चराई ड्रेनेज वनों की कटाई ये सब सॉयल इरोजन के कारण होते हैं

लेटी हुई लाइन ये कवर कर रहा है इसको क्या कहते हैं इसको लेटिट्यूड कहते हैं अक्षांश हिंदी में कहते हैं और एक डिग्री ये जैसे ये जीरो है और तो मान लीजिए ये वन है इधर वन है तो एक डिग्री से दो डिग्री के बीच में जो अंतर होता है ना वो चार मिनट का होता है एक आ, सॉरी वो देशांतर होता है एक डिग्री से दो डिग्री के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो एक सौ ग्यारह किलोमीटर का होता है ओके okay? एक सौ ग्यारह किलोमीटर का होता है एक डिग्री से दो डिग्री के बीच में जाने में जो अंतर होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है लॉन्गिट्यूड ये वाली लाइने लॉन्गिट्यूड मतलब मेरिडियन मेरिडियन लाइन जो ऐसी लाइनें होंगी वो लॉन्गी है और इसमें एक डिग्री बराबर चार मिनट होता है और अपने इंडिया में कौन सी मेरिडियन है ये एटी टू एंड हाफ डिग्री है एटी टू एंड हाफ डिग्री है और इसका मतलब होता है तीन सौ तीस मिनट एटी टू एंड हाफ डिग्री का मतलब तीन सौ बीस मिनट मतलब पांच घंटे तीस मिनट तो हम जो ग्रीनविच लाइन है ग्रीनविच लाइन जो जीरो डिग्री है प्राइम मेरिडियन लंदन से होकर गुजरती है वहाँ से हम आ, मतलब लंदन से हम पाँच घंटे तीस मिनट आगे रहते हैं नागा खासी गारो हिल्स आर लोकेटेड इन ये कौन सी रेंजेस में लोकेटेड है रेंजेस कौन सी हिमालय की जो रेल रेंजेस हैं उनमें से कौन सी ए, कौन सी रेंजेस में है ये ईस्टर रेंजेस है That's all for today. If you like my video, please like, comment, share, and subscribe. Thank you.